पानी है उसको निकाल करके जो जमीन है उसको सुखाया जा सके, और की जो गंगा घाट है वहाँ पर जो सैंड बैग है वो डाले जाने की तैयारी की जा रही है। दशहरा मित्रों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। कुंभ दर्शन सीरीज के एक नए एपिसोड में हम एक बार फिर से आ गए हैं संगम क्षेत्र, या आप कह सकते हैं कुंभ क्षेत्र, जिसको टोटल 25 सेक्टर्स में बांटा गया है। और इस समय आप जहां पर भी आएंगे वहां पर जो निर्माण कार्य है वो अनवरत 24 घंटे चल रहा है। कल रात को हमने सीधा आपको कुंभ क्षेत्र में दिखाया कि तैयारियां कैसे चल रही है। वहां पर जमीन समतल करने का कार्य किया जा रहा था, टेंट लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। तो इस समय हम खड़े हैं कुंभ क्षेत्र के एकदम बाहरी हिस्से पर, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दीवार पर जो कलाकृतियां हैं वो बनाए जाने का कार्य लगातार चल रहा है। इस समय आप प्रयागराज में जहां पर भी जाएंगे आपको लगभग हर जगह इसी तरह का माहौल देखने को मिलेगा। हर जगह जो एक आकर्षक कलाकृतियां हैं, जिसमें देवी देवताओं की भी कलाकृतियां हैं और जो दूसरे ग्राफिक्स हैं, इनको बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक है, प्रयागराज को सुंदर बनाना, और वो हमारे श्रद्धालु और हमारे अतिथि जो देश विदेश से यहाँ पर आने वाले हैं उनको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देना। अर्धकुंभ में अगर आप थे तो आपको पता ही चल गया होगा कि अर्धकुंभ की रौनक क्या थी। अब आप सोचिए इस बार तो महाकुंभ है और महाकुंभ की तैयारियां काफी अच्छे से चल रही है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ और दृश्य दिखाते हैं, और आपको हम वर्चुअली दिखाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग काफी दूर रहते हैं, आपके लिए आना पॉसिबल नहीं है, तो ये जिम्मेदारी हमने उठाई है कि हम आपको महाकुंभ का जो तैयारियां हैं, महाकुंभ की जो तैयारियां हैं और उससे जुड़ी जो चीजें हैं वो वर्चुअली दिखा सके। तो बने रहिए वीडियो में। समय आ गए हैं संगम क्षेत्र में, और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे लगातार जो 36 जनरेटर हैं वो चल रहे हैं। इन जनरेटर्स का काम क्या है बेसिकली, जहां तक मैंने अभी पता किया, मैंने यहां पे लोगों से बात करी है, तो जो गंगा जल है इसको बाहर निकाले जाने का काम किया जा रहा है। और ये तो जमीन आप देख पा रहे हैं, इसको बेसिकली समतल किया जाएगा। और इसके लिए अगर आप मेरे कैमरे की नजर वहां तक जाए तो जो जेसीबी मशीनें हैं वो लगी हुई है, वहां पर जो बालू है वो निकाला जाएगा और एक पुल का निर्माण किया जाएगा। यहां पर जो जूना अखाड़ा है या नागा अखाड़ा भी कंफर्म नहीं है, वो यहीं पे रुकेंगे, और उसके लिए जो जमीन है उसको समतल बनाए जाने का कार्य अगर आप देखें तो चौतरफा यहाँ पर चल रहा है। तो अभी हम आपको विजुअल जहाँ तक दिखा पा रहे हैं तो जनरेटर जो है वो लगातार लगे हुए हैं, और काफी काम पूरा हो चुका है, और बहुत सारा काम जो भी पेंडिंग है उसको पूरा किए जाने के लिए दिन रात यहाँ पर एक किया जा रहा है। रात के वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि जो जेसीबी लगी थी दरअसल वो यही जगह थी, लेकिन अंधेरा काफी ज्यादा था तो हम समझ नहीं पाए। तो यहाँ पर जो लगे हैं लेबर जो लगे हैं वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, प्रशासन की तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है कि तैयारियों को कम से कम समय में पूरा किया जा सके। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर चौतरफा जो काम है वो लगा हुआ है, यहाँ पर जो जनरेटर्स हैं ये लगे हुए हैं, जहाँ तक अभी पता चला कि 36 जनरेटर टोटल हैं। और अगर आप वहाँ पे देख पाएं तो वहाँ पर जो जेसीबी है वो वहाँ पर खुदाई कर रही है, दरअसल वहाँ पे बालू निकालने का काम किया जा रहा है। अगर आप देख पाएं तो वहाँ पर जो जेसीबी है वो बालू निकालने का काम कर रही है, जो कि आगे पुल निर्माण में यहाँ पर उपयोग में लाया जाएगा। और इस समय आप संगम क्षेत्र में चाहे जहाँ नजर डालें आपको हर तरफ जो निर्माण कार्य है वही देखने को मिलेगा। और हमने ये जो नई सीरीज शुरू करी है संगम दर्शन सीरीज, उसका एकमात्र उद्देश्य है आपको संगम क्षेत्र में चल रही तैयारियों के बारे में दिखाना, कुंभ मेला की तैयारी कितने ज़्यादा स्पीड में चल रही है वो दिखाना। हालांकि अभी तक हम यहाँ का शॉर्ट वीडियो कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, लेकिन हमने डिसाइड किया कि क्यों ना लॉन्ग वीडियो पे स्विच किया जाए और जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको हम डिटेल में दिखा सकें। तो जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया कि जो 36 जनरेटर हैं वो वहाँ पर लगे हुए हैं गंगा जी के जल को एक जगह से निकालने के लिए, तो वो जो जल है वो निकल के पहुँच कर आ रहा है। आपके मन में एक बड़ा डाउट होगा तो वो डाउट हम क्लियर कर देते हैं। वो जल वहाँ से निकल के यहाँ पे आ जा रहा है, जहाँ से ये बाद में फिर से जो मुख्य धारा है उससे जुड़ जा रहा है, और इसको जियो बैग कहा जा रहा है। जैसा मैंने कहा जियो बैग ही था ना ये, तो ये जियो बैग है जो कि जियो ट्यूब ये बालू की है, बालू का बनाया गया है यहाँ चलने के लिए। और आप देख सकते हैं कि गंगा जी की एक धारा जो है इसको पूरी तरीके से यहाँ पे सील कर दिया गया है, चारों तरफ से बंद कर दिया गया, और ये जो पानी है यही खींचा जाने का कार्य किया जा रहा है 36 जनरेटर्स की सहायता से, और वो जनरेटर पानी को वहाँ से ले जा करके यहाँ पर छोड़ दे रहा है। और अगर हम आगे की बात करें तो आगे जो बड़ी जेसीबी है वो लगी हुई है, जहाँ पर एक ही उद्देश्य है, आप देख सकते हैं कि जो बालू है उसको खिसका करके जो घाट है, वो घाट नहीं कह सकते, समतल जमीन है, वो तैयार की जा रही है। और ये जियो ट्यूब काफ़ी लचीली है, फर्स्ट टाइम हम इनमें चल रहे हैं तो इसलिए काफ़ी डर भी लग रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो गया सर अम्मा तो चलो वो जियो ट्यूब है सर, और पहली बार हम आए हैं भाई, पहली बार। स्टीमर आज तक आपने स्टीमर देखी है कभी? स्टीमर में बैठे हैं कभी? पहली बार हम स्टीमर देख रहे हैं, सिंचाई विभाग की स्टीमर है ये बेसिकली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मिट्टी निकालने का काम है वो लगातार चल रहा है, जो बड़ी जेसीबी है ये लगी हुई है, और यहाँ पर बेसिकली ज़मीन को समतल किया जा रहा है। तो महाकुंभ की तैयारियों का अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं कि तैयारियाँ कितने दिव्य तरीके से आगे बढ़ रही हैं।
इस समय हम खड़े हैं यहाँ पर कुंभ क्षेत्र में, और आप देख सकते हैं कि जो गंगा घाट है वहाँ पर जो सैंड बैग है वो डाले जाने की तैयारी की जा रही है। इसके पीछे का उद्देश्य काफ़ी सामान्य है। जैसा कि आप देख सकते हैं गंगा जी की धारा जो है इनका वेग काफ़ी तेज है, प्रवाह काफ़ी तेज है, और इस प्रवाह के चलते जो घाट है जाहिर सी बात है स्वाभाविक है कि यहाँ पर जो कटान होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ये कटान ज़्यादा ना हो और जो घाट बन चुके हैं, जो ज़मीन समतल हो चुकी है, उसको नुकसान ना पहुँचे, उसके लिए वहाँ पर इस प्रकार के जो सैंड बैग हैं वो बनाए जा रहे हैं, और इन सैंड बैग्स को वहाँ पर बांध करके गंगा जी का जो घाट है वहाँ पर डाला जा रहा है ताकि जो कटान है उसको रोका जा सके और जो निर्माण कार्य है वो बाधित ना हो, इसका भी पूर्ण प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। तो कुंभ की तैयारियाँ जैसा मैं शुरुआत से दिखा रहा हूँ युद्ध स्तर पर चल रही हैं, और अगर आप आगे देखेंगे तो वहाँ पर जो पीपा पुल है, अब क्योंकि हम वहाँ तक जा नहीं सकते फिलहाल, वो बांधे जाने का जो कार्य है वो चल रहा है। हर तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर पीपा पुल का निर्माण का कार्य चल रहा है, और वहाँ पर अगर आप देखेंगे सामने तो वहाँ पर भी जो पीपा पुल बांधने का कार्य है वो लगातार चल रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको पीपा पुल का निर्माण भी दिखा पाएँ अगर हमसे हो पाया, हालांकि बहाव काफ़ी तेज़ है, लेकिन अगर हम उधर के दिखाने की कोशिश करें तो वहाँ पर जो पीपा पुल है वहाँ शायद एक्सेस मिल जाएगा हमें जाने का। तो चलिए कोशिश करते हैं, अगर ना भी मिला फिर भी हमने आपको पर्याप्त चीज़ें जो है ऑलरेडी दिखा दी हैं, और यहाँ पर नमन दुबे जी घाट के किनारे वापस आ जाएँ, बहाव काफ़ी तेज़ है, वापस आओ चला जाए। तो भैया इस समय आप जैसा देख पा रहे हैं कि जो तैयारियाँ हैं वो हर तरफ जारी हैं। अभी आज की इस वीडियो में इतना ही, हालांकि हम आपको दिखाना चाहते थे पीपा पुल, लेकिन अब थोड़ा हमें जाना पड़ेगा, ऑफिस वर्क है, कैमरामैन की बहुत इज्जत है सर। अब एक देखिए मजाक से हटके अगर हम यहाँ पर आए तो उनका श्रेय इन्हीं इंसान को जाता है, ये हमारे नमन दुबे जी प्रयागी व्यूज बोल रहे हैं कितना हमको चढ़ा दे, उतरने में दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप देख सकते हैं निर्माण कार्य चल रहा है, अवश्य कुछ चीजें हमसे छूटी हैं लेकिन उनको हम बाद में कवर करेंगे, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 36 जनरेटर हैं बेसिकली इनको लगाया गया है पानी को खींचने के काम में, ताकि गंगा जी का जो पानी है उसको निकाल करके जो ज़मीन है उसको सुखाया जा सके, और बाद में वो हमने दिखाया आपको कि वहाँ से जो बालू है वो खिसकाने का काम जेसीबी ऑलरेडी कर रही है। और उद्देश्य की बात देखिए, हम लोग कुंभ क्षेत्र के लिए नए हैं ज़रूर, लेकिन जिस रफ्तार से हम चीज़ों को सीख रहे हैं बहुत दिन नहीं लगेगा हमें यहाँ से पक्के होने में, और इसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही होगी हम समझ सकते हैं, लेकिन तैयारियाँ भाई साहब बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। 36 के 36 जनरेटर यहाँ पर चालू है, 36 यहाँ पर नहीं है लेकिन बाकी आगे भी लगे हुए हैं, सिर्फ यही नहीं है, तो बहुत सारे जो जनरेटर हैं इनसे पानी सुखाने का जो कार्य है वो लगातार किया जा रहा है। अब कुंभ क्षेत्र में जो जिम्मेदारी मिली उसको निभाते हुए जो वीडियोज़ हैं वो लगातार आपको मिलती रहेंगी, और लोगों से इंटरेक्शन भी करवाएंगे। अभी यहाँ पर जो काम करने वाले मैंने उनको इन्वॉल्व करना सही नहीं समझा क्योंकि ऑलरेडी वो बिजी थे, लेकिन जो लोग हैं उनके रिएक्शन भी हम आपको लगातार दिखाना शुरू करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।